क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अरुण गोयल। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। पानीपत के गंगापुरी रोड पर स्थित एक मकान में संदिग्ध परिस्थितियों में मिली विवाहिता की लाश। पानीपत के गंगापुरी रोड पर एक विवाहिता की मकान के कमरे में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया, जहां मृतक बंद कमरे में सोफे पर मृत अवस्था में मिली। घटना की सूचना मिलते ही मृतक के परिजन मौके पर पहुंचे। परिजनों ने मृतिका के पति पर हत्या करने का आरोप लगाया है। वहीं मृतिका की बहन ने बताया कि उसकी बहन मकान में सफाई का काम करती थी और जिम करने के साथ साथ टिकटॉक पर वीडियो भी बनाती थी, जो अपनी जिंदगी में बहुत खुश थी। आपको बता दें कि मृतिका ने मरने से पहले भी एक टिकटॉक पर वीडियो बनाई थी। फोन आया मेरे जीजा का, ठीक है, इसने मेरी मम्मी ने मुझे कहा कि बेबी ने फोन स्विच ऑफ कर रखे हैं। फिर मैंने अपने जीजा के पास कॉल करी, मेरे जीजा ने कहा इसने कुंडे बंद कर रखे हैं चारों तरफ के। मैंने कहा फिर आप मुझे डर लग रहा है, अभी क्या कर दिया उसने ऐसा, भी आप कुंडे तोड़ दो। नु कह रहा नहीं, वो तो हिलने जुलने लग रही है, और ये कहकर नु कह रहा मैं तो अपने घर जा रहा हूँ, अपने लड़के को लेकर घर चला गया। ऐसा भी कोई इंसान होगा क्या इसका घर, ये बताओ ऐसा भी इंसान मिलेगा क्या जो अपनी लुगाई को इस हालत में छोड़कर चला जाएगा घर चैन के नींद सोने के लिए। हमें तो इंसाफ चाहिए बस, हमें और कुछ नहीं चाहिए। घटना नहीं मुझे पता, इसने कहा कि कुंडे बंद कर रखे हैं, पता नहीं क्यों कर रखे कुंडे बंद, उल्टी लग रही थी क्या कुछ पता नहीं क्या करा इनके इसके साथ और क्या नहीं करा। हमें तो हमें तो ये लगता है कि भी इसका तो खून करा है, मेरी बहन का तो कत्ल करा है इन्होंने साजिश के तौर पे। बस आपको कब पता चला इस बारे में, घटना के बारे में? ये 7:30 बजे पता चली मुझे तो, कि भाई उसने, मैंने अपने जीजा को इतना प्रेशर डाला कि भाई दरवाजा तोड़ो। जब इसने दरवाजा तोड़ा जब से तो ये नू ही करने लग रहा था, हाँ जी कुंडा खोल लू मैं, हाँ मैं ये करूँ मैं वो करूँ। जब मैंने इसको धमकी दी जब इसने कुंडा खोला है, कुंडा खोला तो फिर तोड़ा, मैं नहीं थी मरी पड़ी थी वो ऐसे बुची हुई बिल्कुल, रात को एकदम सोफे पे पड़ी थी वो, तो उल्टियाँ पड़ी थी। क्या करती थी लड़की? वो सफाई का काम करती थी, शोरूमों में काम करती थी। बहुत अच्छी लड़की थी, बहुत ही अच्छी, ऐसी लड़की चाहे आप पूरे मोहल्ले में पूछ लो, मेरी बहन इतनी अच्छी थी, कोई भी उसमें कोई भी बुराई नहीं कर सकता। हाँ जिम में भी जाती थी, इतने जिम में भी जाती थी, जिम ज्वाइन कर रखी थी, इतनी जल्दी उसने इतना वेट कम कर लिया अपना, बहुत मोटी थी वो, अब तो इतनी हेल्दी हो गई थी। टिकटॉक पे भी सुनने में आ रही थी? हाँ टिकटॉक पे है वो, आईडी थी उसकी टिकटॉक की। अब हमें तो इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। कितने बच्चे थे इसके पास? इसका एक ही लड़का था, दूसरी शादी हुई थी है। उसके तीन तीन जो पहले मरी। हम तो भैया वो चाहे मैं मेरी बहन को इंसाफ मिल जाए और कुछ नहीं चाहिए हमें, बस जो भी है वो सच सामना आवे उसका, जो भी है जिस वजह से भी उसने ये कदम उठाया या इन्होंने कुछ करा, हम तो इंसाफ चाहिए बस और कुछ नहीं चाहता हमें। झगड़ा वगड़ा भी पहले कभी हुआ है? झगड़ा तो होया, इतने चक्कर थे, इतने दुनिया जान के उन चक्करों के पीछे भी लड़ाई होया करे थी। इसका तो चक्कर थे अपने चाचा की बहू के साथ, कौन थी वो कौन नहीं थी। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पानीपत सिविल अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए लेकर आई। पुलिस जांच अधिकारियों ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि सूचना पर शव पोस्टमार्टम के लिए लाए हैं। वहीं पुलिस ने बताया मृतकों के परिजनों ने हत्या की आशंका जाहिर कर पोस्टमार्टम की मांग की थी, जिसके चलते पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो भी सामने आएगा उसके आधार पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हमें सूचना मिली थी, लेडी है ये, यहाँ गंगा देवपुरी रोड पर पानीपत में इसकी शादी हुई है, ये मृत अवस्था में थी। तो इसके परिजन आए, उन्होंने आगे दरखास्त दी है कि तो हमारी लड़की की मौत पर हमें संदेह है और इसका पोस्टमार्टम कराया जाए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो कार्रवाई होगी उनमें लाई जाए, तो हम उससे पोस्टमार्टम करवा रहे हैं। इसका इसकी बेबी नाम है और लगभग 30-32 साल उम्र से। सर घर वाले उसे क्या काम करते हैं? हाँ जी घरवाला जो से कुछ घरवाला वही काम करता है मजदूर चाहिए। तो अभी क्या कर रही है इस पर? अभी इसका पोस्टमार्टम करवाने जा रहे हैं, तो बाद पोस्टमार्टम करवाने बाद जो रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार कार्रवाई मिल जाएगी। फिलहाल मृतका की मौत से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई कर न्याय की मांग कर रहे हैं। पानीपत से देव कुमार की एक रिपोर्ट।